Mitlech Thakur Chichi. Hey, Mathura Chichi. जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा इन लोगों को अभी यहीं से राजभवन से ही वापस कर दिया गया है। तो आइए हम दिखाते हैं कि ये लोग जो है देखिए रैली किस तरह से वापस ले गए हैं और इन्हें अल्बर्ट एक का चौक तक जाने की अनुमति नहीं दी गई है, प्रशासन आकर इन्हें रोक दी है। अब इन लोगों की आगे की रणनीति है कि ये लोग सरकार से अब भी बात मनवाएंगे जब तक सरकार इनकी बात मान नहीं लेती है। तो आइए जानते हैं कि ये लोग वापस क्यों हुए और प्रशासन इन्हें क्या कुछ कहा है। आप लोग यहाँ पे सरकार को अपनी बात मनवा रहे हैं, आप लोग की नौकरी चली गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी हम लोग की नौकरी चली गई है, इसमें हम लोग सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। सरकार से यही है कि हम लोग से वार्ता करके और हम लोग को नौकरी में रखने के लिए। ये बात सही है, यही चीज इनकी दूरदर्शिता को दिखाता है कि आप युवाओं के मुद्दे पर कितना संवेदनशील है। यही विषय, यही जो आप जो सवाल अभी हमसे कर रहे हैं, यही सवाल उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है कि आप कितने संवेदनशील हैं हमारी समस्या को समाधान के लिए। एक तरफ तो आप लाखों की संख्या पे खड़े होकर के पब्लिक डोमेन में ये बात करते हैं कि सड़क में बैठे अनुबंध कर्मियों के साथ हम न्याय करने का काम करेंगे, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि 35 दिनों से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप यहाँ पर आकर के सुधि लेने का काम नहीं कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है राज्य के अंदर में, जब राज्य के अंदर में युवा मुख्यमंत्री खुद हो यहाँ के और वहाँ के युवा को सड़क पर आना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य का समय और राज्य के अंदर में नहीं आएगा कभी। आप लोग 35 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं और कब तक धरना आप लोग जारी रहेगा? देखिए, जब तक समायोजन नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और आने वाले दिनों में हम लोग सम्मान वापसी कार्यक्रम कल हम लोग करेंगे, इसके बाद मुंडन कार्यक्रम होगा, और जो सपनों का अर्थी हम लोगों ने निकाला था उस सपनों का अर्थी का हम लोग श्राद्ध क्रम कार्यक्रम भी यहाँ पर राजभवन के परिसर में करेंगे। और इस बीच यदि हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान ले लिया तो उनका स्वागत होगा, सरकार के नुमाइंदे जो टॉप लेवल अथॉरिटीज़ हैं यदि उन्होंने संज्ञान लिया तो उनका भी स्वागत है। जब बुलाया जाएगा हम लोग तैयार हैं बात करने के लिए। बस हमारा एक ही मांग है, हम लोग तो पेंशन नहीं मांग रहे हैं, हमें सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम 60 साल की नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बस इतना मांग रहे हैं कि जब तक हमारा प्रोजेक्ट एक्सटेंड हुआ है 2024 तक, हमें आप उतने दिन के लिए रहने दीजिए। आप हमारी जगह में हमसे ही ज़्यादा सैलरी में आप लोगों की बहाली कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं को भी आप दबाना चाहते हैं। तो आप युवाओं का जो मुद्दा लेकर के आप चुनाव पर आए थे, आप राज्य का मुख्यमंत्री भी घोषित होकर के बने और आज राज्य के युवा जो है वो त्राहिमाम होकर के सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो गया, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। आप अभी भी जागिए, समय है, राज्य का युवा परेशान है, और जब राज्य का युवा परेशान होता है तो आप समझ लीजिए कि आपका रीढ़ का हड्डी कहीं ना कहीं उसमें दर्द हो चुका है। इस दर्द पर आप तुरंत मलहम लगाइए, अन्यथा आपको समस्या होना तय है। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, मैं संघ का मीडिया प्रमुख। प्रशासन के द्वारा क्या कहकर के वापस कर दिया गया? प्रशासन के द्वारा कि वहाँ पे स्वीकृति नहीं दिया गया है कि जाने का आगे बढ़ने के रास्ते, तो इसलिए प्रशासन बोला कि मेरा ऑर्डर नहीं है, इसलिए बैक होने बोला प्रशासन द्वारा, बैक हो गए हम लोग। आपने नहीं कहा कि क्यों नहीं जा सकते, क्या कारण? नहीं, प्रशासन ने बोला कि मेरा आदेश नहीं है जाने का, इसलिए हम जाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। अगर आप लोग जा सकते हैं तो जाइए, फिर वापस आना है उनका, इसलिए हम लोग लाइन ऑर्डर तोड़ के नहीं गए, वापस घूम के आ गए हम लोग। तो जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों ने निंदा यात्रा जो है वापस ले ली है, अब इन लोगों की रणनीति है कि ये लोग अभी कभी जब तक सरकार इनकी बात मान नहीं लेती तब तक ये लोग बात मनवाने पे लगे रहेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे राजिका न्यूज़ के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा परवीन। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।